तो आज सुबह जब उठा तब लग नहीं रहा था कि इतना ज़्यादा फॉग है, बट बाहर निकलने के बाद अब पता चल रहा है, मतलब फॉग इतना देर रुका हुआ था, वो रुका हुआ था एक जगह, अब जब खिंड गया ना इधर उधर हो गया तब नज़ारा ही कुछ और हो गया। ट्रस्ट में इतना भयंकर ओस मैंने कभी नहीं देखा यहाँ पे रघुनाथपुर में। तो अच्छा हुआ आज हम पैदल पैदल जा रहे हैं, मतलब हम गाड़ी लेकर नहीं आए, गाड़ी ले लाने से बड़ी दिक्कत होती है ड्राइव करने में, मतलब ज़्यादातर फोकस हमारा इस पर रहता है क्या शूट कर रहे हैं, और ऐसे हाल में अगर गाड़ी चलाते तो आप लोगों को पता चल रहा है कि इधर एक रास्ता है और इधर एक रास्ता है। यार मुझे तो नहीं पता चल रहा है तो जो ड्राइव कर रहे हैं उनको कितना दिक्कत हो रहा होगा मैं समझ सकता हूँ। थोड़ा सा दिख रहा है एंड में जाके यहाँ रास्ता है यहाँ पे। आगे स्नेहित के कॉलेज, वैसे यार अगर हर दिन का कॉलेज का ऐसा ही नज़ारा रहे ना, मतलब अगर मैं भी इस कॉलेज में पढ़ता और हर दिन का कॉलेज का ये नज़ारा रहता तो हर दिन हम कॉलेज आते अटेंडेंस फुल 100%। कभी एक शॉर्ट फिल्म ज़रूर बनाऊंगा इस पर, मतलब इस जगह पे का इतना अच्छा लोकेशन है। भाई साहब कहाँ रह गया, क्या हुआ? तो ये हम आ गए वही हमारी पुरानी और प्यारी सी कॉलेज ग्राउंड। कितने जो वीडियोस बनी है यहाँ पे क्या पता, और आगे कितनी बनेगी वो भी पता नहीं। इतनी फॉग थी, सूरज निकला सारा फॉग गायब। तो मुझे चाहिए था रेडमी नोट 8 प्रो का 6GB रैम 64GB रोम वाला ब्लैक वर्जन, और मुझे मिला 6GB रैम 128GB वाइट वर्जन ये वाला। तो बात करें कैमराज की तो इस पर 64 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल वाइड कैमरा, 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा, और फ्रंट कैमरा है 20 मेगापिक्सल। तो जब इतना कुछ है तो यार पहले ही मैं बता दूँ ये कोई टेक रिव्यू नहीं होने वाला है, इस पर हम ये फ़ोन का टेस्ट करेंगे कि ये व्लॉगिंग के लिए सूटेबल है कि नहीं। मतलब व्लॉगिंग में हम लोग क्या क्या देखते हैं, हम चार चीज़ देखते हैं। पहला इस पर स्लो मोशन कैसा आ रहा है, दूसरा टाइम लैप्स कैसा आ रहा है, तीसरा वीडियो मोड में इसका साउंड रिकॉर्डिंग मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग कैसा हो रहा है, मतलब क्वालिटी कैसा है, और चौथा इस पर कितना स्टोरेज है। मतलब अगर आप सब कुछ शूट करोगे इतना शूट करना पड़ता है, और अगर स्टोरेज ही कम रहा तो फिर मतलब स्टोर कहाँ होगा। तो ये फ्रंट कैमरा से हम व्लॉगिंग कर रहे हैं दोनों फ़ोन पे, ये लेफ्ट साइड में मेरे लेफ्ट साइड में है पोको F1, मेरे राइट साइड में है रेडमी नोट 8 प्रो, और क्वालिटी देख के पता चल ही रहा है आप लोगों को भी कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ये दोनों का ही 20 मेगापिक्सल कैमरा है, पोको F1 में मतलब मुझे थोड़ा ज़्यादा सही लग रहा है, इस पर रेडमी नोट 8 प्रो पे शार्पनेस बहुत ज़्यादा हो जा रहा है और कॉन्ट्रास्ट भी थोड़ा हाई हो जा रहा है, इस पर थोड़ा मतलब फ्लैट प्रोफाइल टाइप का फुटेज रह रहा है। तो ये मेरा ओपिनियन था, अब आप अपना ओपिनियन दीजिए कमेंट सेक्शन पे। तो ये अब दोनों फ़ोन का रेयर कैमरा मतलब एक्चुअली नोट 8 प्रो का रेयर कैमरा टेस्ट किया जा रहा है, ये मेरे लेफ्ट साइड में फिर से पोको F1 और मेरे राइट साइड में रेडमी नोट 8 प्रो। तो ये वीडियो क्वालिटी आप देख लो, मैं तो अभी नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे एडिटिंग में जाके ही पता चलेगा। यहाँ पे आप वीडियो क्वालिटी
मेरे हिसाब से जो हमने पहले टेस्ट किया था देखकर उस पे, इसमें Redmi Note 8 Pro पे सैचुरेशन थोड़ा हाई हो जा रहा था ज़्यादा, और कॉन्ट्रास्ट भी और शार्पनेस बहुत ज़्यादा हाई हो जा रहा था, जो कि पोको F1 में तो आपने देखा ही, हमारे सारे ब्लॉग्स में पोको F1 का ही है, तो वो था फ्लैट प्रोफाइल टाइप का, तो जिसपे क्या होता है कि कलर ग्रेडिंग करने में थोड़ा ज़्यादा मतलब ज़्यादा ऑप्शंस रहता है हमारे पास कलर ग्रेडिंग के वक्त, जो कि इस पे शायद नहीं मिलेगा अभी, वो तो एडिटिंग पे पता चलेगा। और अब साउंड क्वालिटी भी आप देख लो, हमें ये भी एडिटिंग पे जाके ही पता चलेगा कि साउंड क्वालिटी इसका कैसा है, कैसा ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है दोनों। तो यार अभी तक जो भी आपने फुटेज देखा वो हम कल गए थे, कल हमने और भी वहाँ पे कुछ फ़ोन के फीचर्स ट्राई किए, उसके बाद हम घर आ गए, घर पे कुछ कल बन नहीं पाया, तो आज फिर हम सुबह उठे और हम गए छत पे स्लोमो और टाइम लैप्स ट्राई करने। ये टाइम लैप्स लग चुकी है, जब तक टाइम लैप्स हो रहा है तब तक अपने चाय एंजॉय करते हैं। तो अब स्लो मोशन टेस्ट करेंगे, स्लो मोशन के लिए हमने प्लान किया है ये कुछ बलून्स, इसने धोर के लाया पानी, इसमें इसको फोड़ेंगे और देखेंगे उसका स्लोमो कैसा आ रहा है। ऑन है, फिट ही नहीं रहे वो। ये सब करने के बाद हम नीचे आए और मैंने और स्नेहित ने दोनों ने अपनी अपनी ओपिनियन रखी फ़ोन के ऊपर, फ़ोन का टेस्ट करके हमें क्या लगा ब्लॉगिंग के लिए, ये फ़ोन सूटेबल है कि नहीं, मतलब यहाँ तक वीडियो एंड हो गई थी। उसके बाद मैं एडिटिंग पे बैठ गया, पर एडिटिंग करते करते मुझे कुछ नज़र आया, मुझे कुछ प्रॉब्लम नज़र आई, जिसके वजह से रात के 11 बजे मुझे ये वीडियो क्लिप शूट करनी पड़ रही है, और वो प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो Redmi Note 8 Pro से जितनी सारी फुटेज हमने ली थी, हमने सब फ़ोन पे देख चेक किया, फ़ोन पे सारी के सारी फुटेज में बहुत ज़्यादा ग्रेन्स आ रहा था, शार्पनेस बहुत हाई हो गया था, सैचुरेशन ओवर सैचुरेट था, और मतलब वो फुटेजेस काफ़ी ज़्यादा लो क्वालिटी फुटेज लग रही थी। तो एक बार तो हमें लगा कि डिस्प्ले का इशू होगा, तब हमने उस फुटेज को पोको में ट्रांसफ़र किया और देखा कि पोको में सही है कि नहीं, पोको में भी वही सेम चीज़ हो रही थी, उसमें उसकी क्वालिटी बहुत लो लग रही थी। तो हमने अपनी ओपिनियन रखी कि हम इस फ़ोन को रिकमेंड नहीं करते हैं ब्लॉगिंग के लिए, बिकॉज ब्लॉगिंग में वीडियो क्वालिटी मैटर करता है और इसमें वीडियो क्वालिटी ही सही नहीं है Redmi Note 8 Pro में, ये हमने ओपिनियन रखी। पर अभी जब मैं PC में एडिट कर रहा था, तब मैंने नोटिस किया कि ये Redmi Note 8 Pro वाली फुटेज काफ़ी सही दिख रही है PC में। अब मैं कन्फ्यूज़ ये हूँ कि ये PC में सही क्यों दिख रही है और फ़ोन में हम जब देख रहे तब वो क्यों ऐसी लो क्वालिटी वाली दिख रही है। तो या तो फ़ोन का डिस्प्ले का इशू हो सकता है या फिर कुछ और इशू होगा। तो आपने अभी तक जो भी फुटेज देखा है, आपको क्या लग रहा है Redmi Note 8 Pro की फुटेज सही है कि नहीं, क्वालिटी कैसी लग रही है, ओवर सैचुरेट है या शार्पनेस ज़्यादा है या क्या है, आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताओ, क्योंकि मुझे भी ये क्लैरिफिकेशन चाहिए। तो अब मैं आपको कुछ 4-5 चीज़ें बताता हूँ Redmi Note 8 Pro के बारे में, जिसको सुनने के बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये फ़ोन ब्लॉगिंग के लिए लेना है कि नहीं, ये फ़ोन ब्लॉगिंग के लिए सूटेबल है कि नहीं। तो ब्लॉगिंग के लिए हम टाइम लैप्स देखते हैं, स्लो मोशन देखते हैं, वीडियो क्वालिटी देखते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग कैसी हो रही है वो देखते हैं, और स्टेबलाइजेशन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले अगर स्टेबलाइजेशन की बात करें तो स्टेबलाइजेशन मज़ा नहीं आया मेरे को Redmi Note 8 Pro में, क्योंकि पोको यूज़ करते हैं हम और पोको में काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज है फुटेज, Redmi Note 8 Pro में उतना ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा शेक कर रहा था फुटेज। टाइम लैप्स की बात करें तो टाइम लैप्स ओके है, स्लो मोशन भी ठीक है। वीडियो क्वालिटी की बात करें तो जो फुटेज अगर मैंने PC में देखी, अगर ओवर सैचुरेट नहीं है, बहुत ज़्यादा शार्पनेस नहीं है, वीडियो क्वालिटी भी ठीक है, मतलब लो क्वालिटी वाली फुटेज नहीं दिख रही है, तब ये फ़ोन बजट के हिसाब से ओके है, ठीक है। बट अगर वो लो क्वालिटी वाली लग रही है, ओवर सैचुरेट लग रही है, तब वीडियो क्वालिटी ही ख़राब होगी अगर उस फ़ोन की उस टाइम पे, तब वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप लोगों को। और ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो ऑडियो में बहुत ज़्यादा नॉइज़ पकड़ रहा है, मतलब पोको में मेरे को लगता था नॉइज़ है, बट पोको में उतना ज़्यादा नहीं है, Redmi Note 8 Pro में बहुत ज़्यादा नॉइज़ कैप्चर कर रहा है, तो ये एक बड़ी इश्यू है ब्लॉगिंग के लिए अगर आप चूज़ करते हो तो।
पर लास्ट बात की पोको जितना क्वालिटी रेडमी नोट 8 प्रो में नहीं मिलेगा, बिकॉज पोको है 21,000 का फ़ोन और रेडमी नोट 8 प्रो है 15,000 का फ़ोन, तो 6,000 में नो डाउट क्वालिटी में डिफरेंस होगा। पर फिर भी अगर आप लो बजट फ़ोन चाहते हो तो रेडमी नोट 8 प्रो ठीक है, और अगर आपका बजट ऊपर है ज़्यादा है तो आप K20 ट्राई कर सकते हो, पोको ट्राई कर सकते हो। पोको मैं बहुत दिन से ट्राई कर रहा हूँ और काफ़ी सही फ़ोन है व्लॉगिंग के लिए। तो बस आज के इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मस्त रहे, मजे में रहे, और यस यू बाय बाय। और कमेंट करके जरूर बताओ यार आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हूँ कहीं ना कहीं इस फोन के मैटर में। तो मिलते हैं भाई बाद में, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, चलो।